हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे नान खटाई और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। तो मैंने सोचा कि चलो इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ताकि आप लोग भी सिर्फ देख के ही मन ना भरे, इसे खुद भी बनाएं। तो शुरू करते हैं। यहाँ मैंने लिया है 100 ग्राम मैदा, 50 ग्राम चीनी, 50 ग्राम ही मैंने देसी घी यहाँ पे लिया है, बादाम कुछ मैंने कट कर लिए हैं। सबसे पहले हम चीनी को लेंगे एक जार में और इसका एक हम फाइन पाउडर बना के तैयार करेंगे। साथ में ही मैं इसमें ऐड करूँगी इलायची और अब हम इसे अच्छे से पीस लेंगे। नान खटाई किस किस की फेवरेट है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए। और ये देखिए, ये तैयार हो चुका है पाउडर और इसे हम छान लेंगे अच्छे से। और अब हम इसमें ऐड करेंगे देसी घी। और साथ में ही मैं इसमें ऐड करूंगी बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून। और इसके साथ ही मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच दही। और अब हम इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, कम से कम 1 मिनट हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखिए, ये अच्छी तरह से हमारा जो है ये मिक्स हो गया है। और अब हम इसमें छान लेंगे मैदा। ये देखिए, और इसे हम बिल्कुल जेंटली मिक्स करेंगे, बिल्कुल आराम से। ये देखिए, अब हम अच्छा सा एक सॉफ्ट डो इसका बना के तैयार करेंगे। तो उसके लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी अपने हाथों की। तो अब इसे रखते हैं साइड में और हाथों से अच्छा सा एक सॉफ्ट डो हम रेडी करेंगे। ये आप देख सकते हो, डो हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे इक्वल साइज की। और यहाँ पे मैंने बेकिंग ट्रे ली है और इसमें बटर पेपर मैंने प्लेस कर दिया है। ये देखिए, इस तरह से बिल्कुल राउंड शेप हम बनाएंगे और बेकिंग ट्रे पे इसे रखते जाएंगे। थोड़ा दूर दूर हम इसे रखेंगे, क्योंकि जब ये बेक होगी तो थोड़ा ये फैल जाती है। और इस पे मैं लगाऊंगी थोड़ा बादाम और इसे हल्का सा हम प्रेस कर देंगे। ओवन मैंने प्री हीट कर लिया है 170 डिग्री पे 5 मिनट के लिए। और इसे अब हम रखेंगे ओवन में 13-14 मिनट में ये बनके तैयार हो जाएगी। और ये देखिए, ये हमारी नान खटाई बनके तैयार हो चुकी है। अब हम इसे 5 मिनट ठंडा होने देंगे और उसके बाद हम इसे करेंगे गार्निश। और अगर आपको भी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।